साइबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के शिकार हुए एक दंपत्ति, 3 करोड़ रुपए का नुकसान। इंद्रपुरम की निवासी मिसेज नम्रिता मिश्रा ने कथित तौर पे साइबर धोखाधड़ी में 3 करोड़ रुपए खो दिए। रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद पुलिस के पास फल की गई शिकायत में कहा गया है कि उन्हें ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से एक फेक इन्वेस्टमेंट के लिए ललचाया गया। मिसेस मिश्रा ने एक FIR दर्ज की और बताया कि उन्होंने एक फेसबुक विज्ञापन पर क्लिक किया और उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया, जो खुद को एक प्रसिद्ध निवेश प्लेटफॉर्म बता रहा था। इस ग्रुप के संचालक मिस्टर रजत चोपड़ा ने सदस्य को GTC नाम की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अच्छे लाभ का वादा किया गया था और निवेश सलाह के लिए हर महीने 2000 रुपये की फीस थी। जुलाई से अगस्त के बीच मिसेस मिश्रा ने और उनके पति मिस्टर मृणाल मिश्रा ने 22 लेनदेन किए, जिनकी कुल राशि 3,01,00,000 रुपए थी। एक लेनदेन के लिए कंपनी ने उन्हें 80,00,000 रुपए का कर्ज भी दिया, लेकिन जब उन्होंने अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की तो उन्हें कर्ज चुकाने और बाद में टैक्स भरने के लिए कहा गया। जब उन्हें अपने पैसे की पहुंच नहीं मिली और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से निवेश नहीं कर पाई तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने जांच की, जिससे पता चला कि ये कंपनी साइबर धोखाधड़ी में शामिल थी। दिए गए नंबर बाद में बंद हो गए और राजस्थान में पंजीकृत पाए गए। IT अधिनियम की धारा 66D और धारा 318 धोखाधड़ी के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस धोखाधड़ी की जांच कर रही है।